आइए इसी तरह करेंगे झाबुआ का, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं। जिन बहनों को लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिले हैं, जिन बहनों के हाथ में है क्या स्वीकृति पत्र, अच्छा दूसरे कागज, तो जरा हाथ उठा के बता दो सबको। ये देखो पीछे दाएं बाएं, ये स्वीकृति पत्र मेरी बहनों के हाथ में है, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना के स्वीकृति पत्र है। मेरी बहनों आज भाषण देने नहीं आया, अब नीचे कर लें, आज भाषण देने नहीं आया, आज अपनी बहनों से आपका भाई बात करने आया है। मुझसे बात करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बहनों ये लाडली बहना योजना के बारे में अभी हमारी बहनों ने आपको एक नाटक के माध्यम से बताया है। आज मैं अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद है अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना। मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में, भाई सामने दिखने दो मुझे, ऐसा मत करो, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। ये तुम्हारे भाई की जिंदगी का लक्ष्य है, मकसद है। मेरी बहनों हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या गरीबी में मरने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते? मैंने कई वर्षों से देखा, जब मैं छोटा सा था तब से, कि हमारी बहन और बेटियों की जिंदगी कई बार बहुत कठिन हो जाती है। मैं झाबुआ को तो प्रणाम करता हूं इसलिए कि ये जिला बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता, बेटा और बेटी को बराबर मानता है, लेकिन कई जगह बेटियों के साथ न्याय नहीं होता, भेदभाव होता है। और इसलिए बचपन से मेरे मन में ये बात थी कि मैं बेटियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा, और इसलिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी दो बेटियों तक अगर पैदा होगी, मेरे मन में ये संकल्प था कि बेटी लखपति पैदा हो, बेटी गरीब क्यों पैदा हो, और इसलिए बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के खाते में दे देते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि बेटी पांचवी पास करे छठवीं में जाए तो 2,000 रुपया मिले, आठवीं पास करके नौवीं में जाए तो 4,000 रुपया मिले, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाए तो 6,000 रुपया मिले, बारहवीं क्लास में फिर 6,000 रुपया मिले, और कॉलेज में जाएंगी बेटियां तो 12,500 रुपया मिलेंगे, और बीए बीएससी पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे। अपने प्रदेश में, अपने देश में बहनों का जितना सम्मान होना चाहिए था वो नहीं था, और इसलिए मेरी बहनों हमने एक काम और किया। पहले चुनाव लड़ते थे केवल आदमी पुरुष चुनाव लड़ते थे, बहनें चुनाव नहीं लड़ती थी, सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, बताओ पहले बहनें लड़ती थी क्या? बोल के बताओ, जोर से बोल के बताओ, नहीं लड़ती थी। भाई लोग लड़ते थे, पतिदेव लड़ते थे, बहनें केवल रोटी बनाती थी, चुनाव साफ लड़ेंगे। मुझे लगा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो बहनों को चुनाव लड़ना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनना चाहिए, अलग पदों पर पहुंचना चाहिए, और इसलिए बहनों हमने तय किया कि आधी सीटें सरपंच की हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे जनपद की हो, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी,
भाइयों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। और इसलिए कितनी बहनें चुनाव जीत के आई, सरपंच बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई, ऐसे कई काम किए। लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों? इसलिए मेरी बहनों, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं। इतने सालों से मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अपना सगा भाई, राखी तो बांधते हो ना, सावन के महीना में राखी बांधते।